खटमलपुर नाम के एक गांव में महेश अपनी पत्नी रूपा के साथ रहता था। वैसे तो महेश एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था, लेकिन गांव में बेरोजगारी होने के कारण उसे कहीं काम नहीं मिल सका। इसलिए महेश और रूपा ने गांव में ही एक पानी पूरी का स्टॉल खोल लिया। पूरे गांव के लोग वहां पर पानी पूरी खाने बड़े चाव से आया करते थे। खटमलपुर गांव शहर के पास होने की वजह से गांव वालों को शहर का पिज्जा और बर्गर ज्यादा पसंद आने लगा था। इस वजह से पानी पूरी की बिक्री कम हो गई थी और महेश और रूपा परेशान होकर सोचने लगे। देखा रूपा, आज भी हमारा व्यापार कुछ खास नहीं हो रहा है। मुझे तो कभी कभार डर लगता है कि कहीं हम रास्ते पर ना आ जाएं। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। अगर आज मुनाफा हो रहा है तो कल हमें थोड़ा नुकसान भी झेलना ही होगा, ये तो नियम ही है ना जी। क्यों ना हम भी शहर के पिज्जा और बर्गर बनाकर बेचें? इससे हमारी आमदनी भी अच्छी होगी और हम कुछ नया भी कर लेंगे। महेश ने जब रूपा से दूसरे व्यापार की बात की तब रूपा गुस्से से बोली, हमें और कुछ नहीं करना चाहिए जी। पहले ही तुमने दूध का व्यापार करना शुरू किया था और वो ठप हो गया। हम कई सालों तक उसका कर्जा भरते रहे और अब कोई और तमाशा नहीं चाहिए मुझे। अच्छा ठीक है, जैसा तुम कहो। देखो ग्राहक आए हैं, इन्हें तुम पानी पूरी खिलाओ, मैं बाकी के सामान लेकर आता हूँ। गांव शहर के करीब होने के कारण गांव वाले शहर जाकर अपना मनपसंद व्यंजन खा कर आ जाते। इससे महेश की दुकान पर कोई नहीं आता। देखा रूपा, मैंने तुमसे कहा था हमें कुछ और करना चाहिए। देखो अब हमारी पानी पूरी नहीं बिक रही। इसका कोई उपाय हमें सोचना ही होगा। चलिए आज ग्राहक ही नहीं है, हम आज जल्दी घर चले चलते हैं। महेश और रूपा दुकान बंद करके घर ही जा रहे थे कि बाजार में उन्होंने पिज्जा की दुकान देख ली। दुकान पर कोई नहीं था, ये देखकर दोनों पिज्जा की दुकान पर गए। पिज्जा की दुकान पर दीपक और उसकी पत्नी नीलम दुकान न चलने पर मच्छर मार रहे थे। ये देखकर महेश ने दीपक से कहा, क्या बात है दीपक भाई, अकेले बैठ। अरे महेश बाबू आइए, कैसी चल रही है आपकी पानी पूरी की दुकान? हमारा तो ठन ठन गोपाल है, अब तक सुबह से बोहनी भी नहीं हुई है। अरे भाई हमारी दुकान भी नहीं चल रही थी, इसलिए हम बंद करके घर जा रहे हैं। महेश और रूपा दीपक से बातचीत करके अपने घर चले गए। दीपक के पिज्जा की दुकान की हालत देखकर महेश और परेशान हो गया। देखा तुमने भाग्यवान, कुछ नहीं चल रहा, न पिज्जा न पानी पूरी, अब हम क्या करेंगे, कैसे चलाएंगे अपना घर? मेरे पास एक तरकीब है, आप जाकर दीपक जी से पिज्जा खरीद लाइए। हमारे पास ढेर सारा पानी पूरी का सामान बचा हुआ है, उनसे सस्ते में खरीद कर हम पिज्जा पानी पूरी बनाकर बेचेंगे, ये जरूर गांव में किसी ने नहीं खाया होगा। पिज्जा पानी पूरी, ये कैसे होगा? पिज्जा पानी पूरी जी, हम अपनी पानी पूरी में पिज्जा के फ्लेवर और उसके मसाले डालकर बेचेंगे, आप देखिएगा हमारी दुकान जरूर चलने लगेगी। चलनी ही चाहिए, वरना मायके गए हुए भी तुम्हें बहुत दिन हो गए हैं। महेश रूपा की बातें सुनकर दीपक के दुकान से जाकर सारा पिज्जा और उसका सामान खरीद लाता है और रूपा के कहे अनुसार पिज्जा पानी पूरी बनाने की तैयारी करने लगता है। देखते ही देखते शाम हो जाती है, पिज्जा पानी पूरी बनकर तैयार हो जाती है। पिज्जा पानी पूरी की सुंदरता देखकर दोनों बहुत खुश होते हैं। देखो तो कितना सुंदर लग रहा है, मैंने एक खाकर भी देखा, मैंने ऐसा स्वादिष्ट व्यंजन सदियों से नहीं खाया था। भाग्यवान हमारा जीवन बदलने वाला है। शांति रखिए जी, देखिए ग्राहकों के आने का समय भी हो चला है, बस सब शुभ शुभ हो। उस वक्त महेश के दुकान पर एक बुजुर्ग और उनके दो बेटे आए जिन्होंने पिज्जा पानी पूरी खाई और कहा, अरे इतना स्वादिष्ट पानी पूरी अपने गांव में, ये तो लाजवाब है, मुझे पैक करके और दे दो, इसे मैं अपने बाकी के घर वालों को खिलाना चाहता हूँ। और क्या था, महेश की पिज्जा पानी पूरी जोरों से चलने लगी। रूपा और महेश की मानो लॉटरी ही लग गई हो। पूरे गांव में पिज्जा पानी पूरी का बोलबाला हो गया था। महेश ने बड़ी सी पिज्जा पानी पूरी की दुकान भी ले ली। लेकिन ये सब बात
दीपक और उसकी पत्नी नीलम को खाए जा रही थी। ये देखकर नीलम ने दीपक से कहा, देखा आपने कैसा हमारा व्यापार उन्होंने ठप कर दिया। हमारे पास आकर हमसे ही पिज्जा का सामान लेकर हमारे पीठ के पीछे छुरा घोप दिया। उन्होंने कौन सा छुरा घोपा? उन्होंने मेहनत की है, इसलिए आज वो हमसे ज्यादा खुश हैं। और हमारी दुकान भी ठीक ठाक चल रही है, गुजारा हो जाता है, इतना काफी है। आप तो मेरी सुनते ही नहीं है। मैं कह रही हूँ ना, हमें अपना व्यापार और बढ़ाना चाहिए। हमें भी पिज्जा पानी पूरी बनाकर बेचना चाहिए, महेश और रूपा की तरह। इससे हमारे पास भी कुछ पैसे आ जाएंगे और हम भी बड़ी सी दुकान खोल लेंगे। नीलम के जिद के कारण दीपक को पिज्जा पानी पूरी की दुकान खोलनी पड़ गई। और ठीक महेश के दुकान के सामने दीपक और नीलम अपने पिज्जा पानी पूरी की दुकान लगाने लगे। ये बात जब महेश और रूपा को पता चली तो उन्हें इस बात से बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई, बल्कि महेश ने दीपक की दुकान देखकर रूपा से कहा, दीपक भाई ने दुकान खोल ली है, शायद उन्हें भी पिज्जा पानी पूरी का व्यापार अच्छा लगा, उनसे ही हमने ये सीखा है, चलो अच्छा है। भगवान करे उनकी भी दुकान चलने लगे और तरक्की हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। दीपक और नीलम की दुकान ठप हो जाती है। ग्राहक के नाम पर वहाँ पर भी दोनों मच्छर ही मारते हैं। दीपक और नीलम को परेशान देखकर रूपा महेश से कहती है, सुनिए जी, हमें दीपक और नीलम की मदद करनी चाहिए। उनका व्यापार न, कोई ग्राहक उनके पास नहीं जाता। हमें उन्हें इस मुसीबत से निकालना चाहिए। क्यों ना हम उन्हें अपनी दुकान संभालने का मौका दें? भगवान की कृपा से हमारी दुकान बहुत अच्छी चल रही है और तरक्की कर रही है। उन्हें हम इस दुकान पर काम करने दें और हम एक और दुकान खोल लेते हैं जहां हम पिज्जा पानी पूरी बेचेंगे। लेकिन ये बात क्या वो स्वीकार करेंगे? चलिए पूछ कर देखते हैं। महेश और रूपा दोनों दीपक की दुकान पर उसे निराश देखकर अपनी सारी बातें बताते हैं और दीपक और नीलम से उनका जवाब पूछते हैं। मुझे और नीलम को ये बात स्वीकार है, हम आप सबसे जरूर जुड़ना चाहेंगे। आपने हमारी इस मुश्किल घड़ी में मदद की, ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। शुक्रिया रूपा और महेश जी, हम आपकी दुकान खूब अच्छे से चलाएंगे। ठीक वैसा ही हुआ। महेश और रूपा ने नई दुकान खोलकर वहां पिज्जा पानी पूरी का व्यापार शुरू किया नई जगह पर, और दीपक और नीलम को अपना पुराना व्यापार चलाने की सलाह दी। दोनों परिवार तरक्की कर खुशी खुशी रहने लगे।